स्कूल के लड़कों ने मुझे तंग किया और फिर मेरी गेम छीन ली। उन लड़कों के तो मुंह लगना ही बेकार है। अरे उन लड़कों से पहले हमें मसाओ को धमका कर गेम ले लेनी चाहिए थी कजामा। पहले फटाफट इसे रख देता हूँ। हमारा साथ यहीं तक था शिमला मिर्च। ये फंस गया। यहाँ क्या कर रहे हो? अभी अपने पीछे क्या छुपा रहे हो तुम? अच्छा तुम यहाँ पर हो? मैंने तुम्हें यहाँ पर आते हुए देखा था। तुम फिर से यहाँ पर और शिमला मिर्च लेने आए हो? पर आप तो ले चुकी है ना? बताओ ना शिनचैन। वो तो मैं यहाँ पर और शिमला मिर्च लेने आया था दीदी। तुम्हें ये इतनी पसंद है? हाँ मुझे ये बहुत पसंद। मैं घर आ गया। आपका इस घर में स्वागत है पिताजी। क्या कहा तुमने अभी अभी? आप बहुत थके हुए होंगे। आप पहले खाना खाएंगे या पहले नहाना चाहेंगे? आज तुम ठीक तो हो? जरूर, गर्म पानी भी तैयार है। आइए पिताजी। चलो नहाने के बाद तो आप जूस पीना चाहेंगे ना? मैं उसका इंतजाम कर लेता। प्यास लग रही है। थोड़ी देर और बेटा, बस घर पहुंचने वाले हैं। मुझे प्यास लगी है। तुम थोड़ी देर और रुक नहीं सकते? सीमेंट के रास्ते भी नहीं होती घास। मुझे लगी है बहुत जोर की प्यास। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किलर, काम करे कांड वाले लाइफ बेड़ा थ्रिलर। वैसे तुम इतना सोच क्यों रहे हो? कैसी लगी? आगे स्वाद। वादा करो फिर से ऐसा नहीं करोगे। वादा करता हूँ ऐसा नहीं होगा। वादा करता हूँ ये आखिरी बार था। शिनचैन ये तुमने क्या किया? तुम बहुत बुरे हो। नहीं, दोस्ती इंसान की सोच बदल देती है। हाँ बेटा, जब मैं मित्सी से पहली बार मिला था तो मुझे लगा था कि इसके जैसा कोई नहीं है। ये जानकर अच्छा लगा। बाद में पता चला कि ऐसा भी कुछ नहीं है। खत्म। क्या वारदात से एक दिन पहले वहाँ गई थी? सिक्योरिटी कैमरा में भी कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। इसका क्या मतलब? तो इसका मतलब ये है कि उस दिन वहाँ से कोई नहीं भाग रहा था। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, हमें आपके हाथ पर लगी चोट पर शक है। तो इसलिए हमारी चोर अब है। बिल्कुल भी नहीं। अरे सभी सबूतों को देखने के बाद तो चोर मैं ही हुई ना। माम, माम, क्या हुआ अब? क्या हुआ अब? मम्मा बिल्कुल ठीक है बेटा, तुम बहुत ही केयरिंग बच्चे हो। मुझे लगा कहीं आपने खाना तो नहीं गिरा दिया। हाँ, जेब में था चिल्लर, साथ वाले किलर, काम करे कांड वाले लाइफ। नैनी, मुझे तो लगता है कि ये कोई नया डिपार्टमेंटल स्टोर खुला है। शिनचैन, ये कोई डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं है, ये ग्रैंड होटल, ये बहुत ही मशहूर होटल है। तुम्हें नहीं पता? मेरा सपना है कि जब मैं बड़ी हो जाऊं तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर डिनर करने के लिए आऊं। कितना मजा आएगा ना। मेरा सपना है कि मैं तुम्हारे साथ एक ढाबे पर जाऊं, वहाँ पर हम दोनों बटर चिकन, मलाईदार लस्सी और मखनान खाएं। शिनचैन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो शिनचैन? मैं यहाँ बैठकर सांस ले रहा हूँ। हमसे केले के पैसे तो नहीं मांग रहे? अब हम क्या करें? ये डॉगी से डरते हैं। हीरो जाओ और जल्दी इन बंदरों को मार भगा। अरे ऐसा मत करो, तुम्हें पता भी है कि बंदरों को डॉगी से बहुत डर लगता है और तुम हो एक डॉगी। मास्टर, मैं राजकुमारी को ले आया हूँ।
शाबाश, बहुत बढ़िया गए काकू। गियो, जल्दी से अब महाराज को एक धमकी भरा लेटर लिखो। ओके मास्टर। मेरे प्यारे महाराज, मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी बहुत खुश होंगे। आज सूरज बहुत देर से निकला और बेवकूफ, इसमें धमकी कहाँ है? निने को दीदी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। जैसा मेरा प्यार है जान तुझे दिया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। निने को दीदी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। तो तुम असिस्टेंट मैनेजर हो छोटे बच्चे? आपको हमसे कोई काम है? ओ यस, एक्चुअली वो हमारी कंपनी के बाकी एम्प्लॉई यहाँ नहीं पहुँच सकेंगे। बड़े बेकार एम्प्लॉई होंगे, टाइम पर मिलने भी नहीं आ सकते। मैं हूँ सुपर हीरो बुरे बुरे ज़ाइमोन। बताओ तुम्हें किससे बचाना है? जल्दी करो, बताओ, मुझे बहुत काम है। प्लीज उन लोगों से दीदी को बचाओ। तैयार हो? सॉरी मूड नहीं है। तुम मुझसे किसी चीज के लिए जिद नहीं करोगे, समझे? मुझे 300 ग्राम वाला चाय का पैकेट दीजिए प्लीज। और इसके साथ में जो कॉस्मेटिक्स फ्री मिल रहे हैं वो देना मत भूलिएगा। दोस्तों, वरना मैं भी रोने लगूंगा। मम्मा, पापा को भी तो याद करो। पापा, दादा और दादी का क्या? दादाजी, दादी जी। और तुम्हारे पड़ोस वाले अंकल आंटी? अंकल आंटी, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो?